नमस्ते जिले टाशी दिलेक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सब लोगों को बताने वाली हूँ क्राल खेल और ग्राहन खेल के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि यह खेल कैसे मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है, इसकी क्या मान्यता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्राल गांव और ग्राहन गांव राइसन की पहाड़ियों पर स्थित दो गांव हैं। इस दिन दोनों पक्षों के लोग आपस में तीरंदाजी करते हैं। यहां की मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति इस तीरंदाजी में घायल होता है तो उसने ज़रूर कोई पाप किए होंगे, और यदि वही तीर अगर किसी व्यक्ति को छू कर जाती है तो माना जाता है कि उसे कोई खुशखबरी मिलने वाली है। इस तीर को काठे की लकड़ी से बनाया जाता है, जिससे कि आगे से तिरछा करकर हल्का सा जलाया जाता है। खेल शुरू होने से पहले लोग अपने पारंपरिक उपकरणों को बजाते हैं और नाटी डालते हुए इस खेल का शुभारंभ करते हैं। कहा जाता है कि एक साल ग्राहन खेल पहले होती है और दूसरी साल क्राल खेल पहले होती है। यह खेल माघ साजे के तीसरे दिन मनाया जाता है। माघ साजा यानी माघ के महीने में मनाए जाने वाला साजा, जिसे कि यहाँ के लोकल लोग न्यू ईयर की तरह मनाते हैं। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, अभी भी यहाँ की पहाड़ियों पे बर्फ गिरी हुई है, लेकिन यहाँ के लोगों का उत्साह बिल्कुल कम नहीं हुआ है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस उत्सव का मज़ा ले रहे हैं। इस खेल के दौरान यहाँ पे उपस्थित लोग काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज करते हैं, जिसका रीज़न जानने के लिए मैंने यहाँ के लोगों से बातचीत की। तो यहाँ के बुज़ुर्गों का कहना है कि यह महीना काफ़ी बुरा माना जाता है, तो उनकी मान्यता है कि गालियाँ देने से वो बुरी शक्तियाँ दूर हो जाएगी और गाँव में खुशहाली बनी रहेगी। मैं आपको इनकी गालियां तो नहीं सुना सकती, बट कोशिश करूंगी कि आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे अब सभी लोग आपस में हाथ मिला रहे हैं और एक दूसरे को न्यू ईयर की बधाइयाँ भी दे रहे हैं। लास्ट में मैं थैंक यू करना चाहूँगी सौरभ भैया और शोभना को, जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत मदद की।
और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।